एक पत्रिका असी जन्म जयपुर में पायो, बढ़ता बढ़ता नाम सकल मरुदर में छायो। काम करियो तो भारत भर में सुजस कमायो, 10-12 अखबारा बिच पैर जमायो। जन्मी जद सू बढ़ रही, बढ़िया जा रही आस, पग धरती पर बढ़ रहा नजरा में आकाश। 7 मार्च 1956 को श्री कर्पूर चंद्र कुलिश ने राजस्थान पत्रिका की नींव रखी। राजस्थान पत्रिका राजस्थान का अपना अखबार। इतने बड़े न्यूज़पेपर की शुरुआत कुछ मित्रों की मदद और सिर्फ 500 रुपए से हुई थी, पर कुलिश जी के दिल में एक जोश था, जुनून था और कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। लेकिन राजस्थान पत्रिका के पास अपनी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। 1960 में राजस्थान पत्रिका पहली बार अपनी सेकेंड हैंड सिलेंडर प्रेस पर छपना शुरू हुआ। के बाद पत्रिका राजस्थान का एक प्रमुख अखबार बनकर उभरा, लेकिन अभी तक पत्रिका सिर्फ एक शाम का अखबार था और 1964 में यह एक सुबह का अखबार हो गया और पत्रिका ने एक नई सुबह देखी। मुकाबला कड़ा होता गया, अब इसे दिल्ली से आने वाले अखबारों से भी जूझना था। अगले चुनावों में इसके सर्कुलेशन 7,000 कॉपीज और बढ़ गई। पुलिस जी ने राजस्थान के दुख, प्रेम, मुश्किलों और जुझारूपन को महसूस किया। हमने देखे ना थे मंजिलों के निशान, जब उठे थे कदम इस सफर के लिए। दिमाग से हम धन कमा सकते हैं, लोगों को जीत नहीं सकते। अगर लोगों का दिल आप जीत लेते हैं तो धन कमाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, वो तो पीछे पीछे अपने आप आ ही जाएगा। आज राजस्थान पत्रिका पाठक की ताकत भी है और आवाज भी। जो विश्वास पत्रिका उन्हें देता है वही विश्वास पाठक उन्हें लौटाता भी। काश की दुनिया का हर अखबार यही कहता, सबसे पहले पाठक। पच्चीस मई सन 2008 पत्रिका लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए भोपाल से लॉन्च हुआ। सामाजिक सरोकार के रूप में अमृतम जलम से एक अलग जगाते हुए जागो जनमत और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एडिटोरियल इंपैक्ट के साथ मध्य प्रदेश में दस्तक दी पत्रिका ने, और मध्य प्रदेश में अपनी लॉन्चिंग के पहले 20 दिन बाद ही पत्रिका द्वारा आयोजित मेगा ट्रेड फेयर में 9 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। लोगों ने मीडिया के साथ अपने दायित्व को समझा और 1,30,000 से ज्यादा लोग सामाजिक सरोकारों से जुड़ गए। यानी मध्य प्रदेश में पत्रिका की लॉन्चिंग के साथ ही एक बदलाव की शुरुआत हुई। पत्रिका की खबरों ने मध्य प्रदेश में न सिर्फ लोगों को जागरूक किया बल्कि उनसे सरकार और प्रशासन पर असर हुआ और लोगों को उनका हक भी मिला। मध्य प्रदेश में पत्रिका ने आम आदमी का हित और उसके लिए पत्रकारिता ही धर्म की सोच के साथ जमीन का दर्द नाम से एक निर्भीक और आंखें खोल देने वाला अभियान चलाया। पत्रिका ने आम आदमी के हक के लिए लड़ाई लड़ी और इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाया। पत्रिका का 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से प्रकाशन शुरू हुआ। इसके बाद पत्रिका भिलाई और बिलासपुर में अपनी बुलंदियों के साथ अग्रसर है। छत्तीसगढ़ में पत्रिका के प्रकाशन ने मध्य प्रदेश की तरह पाठकों के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो उनकी बुलंद आवाज की तरह अपनी असली खबरों से पाठकों के दिल की आवाज भी बुलंद कर रहा है।
पत्रिका के आने के बाद से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान पत्रिका इज वन ऑफ इंडियाज़ ग्रेट न्यूज़पेपर्स विद अ ट्रेमेंडस ट्रेडिशन एंड आई एम डिलाइटेड इट हैज बीन ग्रोइंग सो वेल। आई एम बोर्न इन जयपुर एंड हैव बीन ब्रॉट अप विद राजस्थान पत्रिका अराउंड मी एंड इट इज अ डिलाइट फॉर मी टू सिट हियर इन बॉम्बे एंड सी वंडरफुल थिंग्स हैपनिंग आउट ऑफ माय ओन सिटी एंड राजस्थान पत्रिका। I suggest the management work for number one leadership in the whole country. Rajasthan Patrika ne pure vishwa ko joda hai. Badhai deti hu main aapko. Mujhe ummeed hai ki Rajasthan Patrika is tarah ke constructive journalism mein ek aham bhumika ada karti rahegi. कुछ दिए